हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमसूत्रा टेल ऑफ लव को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अ टेल ऑफ लव के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मींस इसका क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल है है मूवी 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 रोमांटिक किस तरह की ये बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रैमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेगी तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मानसून वेडिंग उसी के साथ साथ कमल अ टेल ऑफ लव द नेम सेक क्वीन ऑफ कैटवे और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज़्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो

हैं एक ऐसी सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई है जो के आप लोगों के लिए जानना काफी शेयर किया है यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज कमा किस वीडियो जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की पर सारी सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने, ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट पर डालें तो उनमें आप लोगों को वेडिंग, उसी के साथ, साथ लव, नेम सेक, पर देखने को मिलेंगी वेनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड लोगों को यहाँ पर मूवीज ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो जी 74 तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ यहां पर सारी की प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहां पर लेडिया डीन पिल्कर आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें यहां तो यहां पर डेकलन है क्विन ने इस मूवी की, की तो सिनेमाटोग्राफी को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है एडिटिंग की बात करें तो यहां पर सारी सारी म्यूजिक डायरेक्टर तो में देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो एनडीए इंटरनेशनल पोनी कैनियन उसी के साथ साथ पंडोरा और चैनल फॉर फिल्म मीरबाई फिल्म आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनीज में देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमसूत्रा टेल ऑफ लव को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज़ हो चुकी

क्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर नवीन एंड रियूस देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रैमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को

कोईन ऑफ कैटरी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वेनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज़्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन तक घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो जी सेवेंटी फोर परसेंट तक जो काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ यहां पर सारी की प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहां पर लेडिया डीन पिल्कर आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें यहां तो यहां पर डेकलिन है क्विन ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को लिखा है।

बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी अ टेल ऑफ लव के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर नवीन एंड देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की पर सारी सारी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी

बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो है

बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहां पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 1996 में में ही ही रिलीज हो चुकी एक बहुत प्यारी मूवी अ टेल ऑफ लव के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मॉनसून वेडिंग उसी के साथ साथ अ टेल ऑफ़ लव द देश क्वीन ऑफ कैटवी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वेनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि आ ये बहुत ज्यादा बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो

आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमसूत्रा टेल ऑफ लव को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज़ हो चुकी

होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रैमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को

कोईन ऑफ कैटरी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वेनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज़्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी के सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन घंटे के अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो सेवेंटी फोर परसेंट तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे यहां पर सारी की प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहां पर लेडिया डीन पिल्कर आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें यहां तो यहां पर डेकलिन है क्विन ने इस मूवी की, की तो सिनेमाटोग्राफी

बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमा आ, टेल लव के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर नवीन एंड्रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मानसून वेडिंग उसी के साथ साथ अ टेल ऑफ लव द देश क्वीन ऑफ कैटवी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है कि ये बहुत ज्यादा थी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो है

आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स को इसके में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों एंड तो लो लोग उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 1996 में में ही ही रिलीज हो चुकी एक बहुत प्यारी मूवी अ टेल ऑफ लव के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मोनसून वेडिंग उसी के साथ साथ अ टेल ऑफ लव कमलूत्रा देश क्वीन ऑफ कैटवी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वेनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और सी रखी है? तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो

आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमसूत्रा टेल ऑफ लव को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज़ हो चुकी

क्न होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर नवीन एंड रियूस देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रैमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को

कोईन ऑफ कैटरी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वेनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज़्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी के सारी यहां पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत लेंथी गई है? या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और टाइम डोरेज सी तक घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो एक सी की इतनी तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन मूवी की आई अच्छी खासी बी रेटिंग है है जी 74 तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ लाइन लिखा है लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहां पर लेडिया डीन पिलकर आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें इस की यहाँ पर को किसने लिखा है, तो यहाँ पर डेकलिन है क्विन ने इस मूवी की, की तो सिनेमाटोग्राफी

बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमा सुत्रा आ, टेल ऑफ लव के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की पर सारी सारी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मानसून वेडिंग उसी के साथ साथ अ टेल ऑफ लव द देश क्वीन ऑफ कैटवी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है कि आ ये बहुत ज्यादा थी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और सी रखी है? तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन तो तक घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो है

मिर बाई फिल्म आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनीज में देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमसूत्रा टेल ऑफ लव को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहां पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमासूत्रा अ टेल ऑफ लव के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मानसून वेडिंग उसी के साथ साथ अ टेल ऑफ लव द देश क्वीन ऑफ कैटवी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर टाइम डोरेशन कितनी है, वो है कि ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो

को संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है एडिटिंग की बात करें तो यहां पर क्रिस्टीना आप लोगों को को इस मूवी की एडिटिंग संभालते हुए नजर आएंगे जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी एडिटिंग को कंट्रोल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर माइकल डैना आप लोगों को इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो एनडीए इंटरनेशनल पोनी कैनियन उसी के साथ साथ पेंडोरा और चैनल फॉर फिल्म मेरे बाई फिल्म आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनीज में देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमसूत्रा टेल ऑफ लव को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज़ हो चुकी

होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रैमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेगी तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन एक सारी की सारी डायरेक्शन को, को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मानसून वेडिंग उसी के साथ साथ कमल अ टेल ऑफ लव द नेम सेक कोईन ऑफ कैटरी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज़्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी के सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन सेवरेज सी तक घंटे के राउंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो सेवेंटी फोर परसेंट तक जो काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे यहां पर सारी की प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहां पर लेडिया डीन पिलकर आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें यहाँ तो यहां पर डेकलिन है क्विन ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को लिखा है।

बताए हैं चंद ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमा आ, टेल लव के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर नवीन एंड्रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी मूवी में मूवीज पर नजर डालें तो के साथ साथ उसी के साथ साथ द रिलेटेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड लोगों को यहाँ पर मूवीज ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है कि ये बहुत थी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा बनाई गई है? है तो मेरे हिसाब एवरेज तो सी है तो, तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स लाइक किया गया वो है

आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स को इसके में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी है जिसे मेरे से आप लोगों को एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चुकी ऑफ लव को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 1996 में में ही ही रिलीज हो चुकी एक बहुत प्यारी मूवी अ टेल ऑफ लव के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मोनसून वेडिंग उसी के साथ साथ अ टेल ऑफ़ लव द देश क्वीन ऑफ कैटवी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो

आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमसूत्रा टेल ऑफ लव को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी अ टेल लव के बारे में। तो किस तरह की गई? इसका क्या है? हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये, ये, ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को, लो को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रैमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को

कोईन ऑफ कैटरी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज़्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी के सारी यहां पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन सेवरेज सी तक घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो सेवेंटी फोर परसेंट तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे यहां पर सारी की प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहाँ पर लेडिया डीन पिलकर आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें यहां तो यहां पर डेकलिन है क्विन ने इस मूवी की, की तो सिनेमाटोग्राफी

आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स को इसके में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों एंड तो लो लोग उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमा आ, टेल लव के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्स इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर नवीन एंड देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की ऐसी चीज है जो किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मानसून वेडिंग उसी के साथ साथ अ टेल ऑफ लव द देश क्वीन ऑफ कैटवी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज्यादा थी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन तो तक घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो है

बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 1996 में में ही ही रिलीज हो चुकी एक बहुत प्यारी मूवी अ टेल ऑफ लव के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मॉनसून वेडिंग उसी के साथ साथ अ टेल ऑफ़ लव द देश क्वीन ऑफ कैटवी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन है वो कितनी है कि ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो

मिर बाई फिल्म आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनीज में देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमसूत्रा टेल ऑफ़ लव को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी अ टेल ऑफ लव के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें ये किस की गई? इसका क्या है हमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी, सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर नवीन एंड रियूस देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रैमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को

कोईन ऑफ कैटवे और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज़्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी यहां पर

है जी 74 तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ लाइन को लिखा है लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहां पर लेडिया डीन पिल्कर आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें इस की यहाँ पर को किसने लिखा है, तो यहाँ पर डेकलिन है क्विन ने इस मूवी की, की तो सिनेमाटोग्राफी

मिर बाई फिल्म आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनीज में देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमसूत्रा टेल ऑफ लव को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमासूत्रा अ टेल ऑफ लव के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जैनर क्या है हमें हम इस इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रैमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मानसून वेडिंग उसी के साथ साथ अ टेल ऑफ लव द क्वीन ऑफ कैटवी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज्यादातर उनमें आप लोगों को यहां पर रोमांटिक मूवीज ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर टाइम जो है वो है वो कितनी ये बहुत ज्यादा बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो है जी 74 तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें इस की यहां पर स्टोरी को किसने लिखा है, तो है, सारी सारी है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहां पर और लेडिया डीन पिलकर आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की डेकलिन क्विन ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी

मिर बाई फिल्म आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनीज में देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमसूत्रा टेल ऑफ लव को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हाँ इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहां पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहां पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित तो हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमासूत्रा अ टेल ऑफ लव के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मानसून वेडिंग उसी के साथ साथ अ टेल ऑफ लव द देश क्वीन ऑफ कैटवी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहां पर टाइम डोरेशन बहुत ज्यादा बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो

संभाला जो कि काफी अच्छे तरीके से हैंडल की गई है एडिटिंग की बात करें तो यहां पर क्रिस्टीना संभालते हुए नजर आएंगे म्यूजिक सारी सारी डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर माइकल डैना आप लोगों को इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर में देखने को मिलेंगे प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो इंटरनेशनल पोनी कैनियन उसी के साथ साथ पेंडोरा और चैनल फॉर फिल्म मीराबाई बाई फिल्म आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनीज में देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमसूत्रा टेल ऑफ़ लव को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ला से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी अ टेल ऑफ लव के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें ये किस की गई? इसका जैनर क्या है हमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी, सारी कास्टिंग में, तो में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रैमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेगी तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर डायरेक्शन एक सारी की सारी डायरेक्शन को, को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मानसून वेडिंग उसी के साथ साथ कमल अ टेल ऑफ लव द नेम सेक कोईन ऑफ कैटरी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज़्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है कि आ, ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी की सारी यहां पर टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा बनाई गई है? है तो मेरे हिसाब तो एवरेज सी है तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो सेवेंटी फोर परसेंट तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ हम आगे ने, मिलकर यहां पर सारी की सारी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहां पर और लेडिया डीन पिल्कर आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें तो यहां पर डेकलिन क्विन ने इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी

बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमा टेल ऑफ लव के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्ज इसका चैनल क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर नवीन एंड देखने मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी मूवी में जान डाल सकती है। अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नज़र डालें तो आप लोगों को वेडिंग, उसी के साथ साथ लव द साथ साथ लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वेनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड लोगों को यहाँ पर मूवीज ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हुए बात करते चले कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को Google के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो है

बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी ये कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल 1996 में में ही ही रिलीज हो चुकी एक बहुत प्यारी मूवी अ टेल ऑफ लव के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन इसका जेनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की यहां पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मॉनसून वेडिंग उसी के साथ साथ अ टेल ऑफ़ लव द देश क्वीन ऑफ कैटरी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन है वो कितनी है कि ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोगों इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी के सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन तो दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चले कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो

आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना हेलो दोस्तों अगर आप लोग भी साल उन्नीस में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमसूत्रा टेल ऑफ लव को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है जी हां इस वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक like यहां पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहां पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी अ टेल ऑफ लव के बारे में तो सबसे पहले अगर यहां पर हम लोग बात करें ये किस की गई? इसका जैनर क्या है, है? 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 किस की ये जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाए तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहां पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहां पर नवीन एंड रियूज देखने को मिलेंगे सरिता चौधरी रैमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की यहां पर सारी की सारी स्टारिंग में देखने को मिलेगी

कोईन ऑफ कैटरी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वैनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज़्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज़ ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम डोरेशन जो है वो कितनी है क्या कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग इजीली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहां पर एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो सारी के सारी यहां पर

है जी 74 तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है उसी के साथ साथ लाइन को लिखा है लिखा है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो यहां पर लेडिया डीन पिल्कर आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे सिनेमाटोग्राफी की अगर यहां पर हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें यहां तो यहां पर डेकलिन क्विन ने इस मूवी की, की तो सिनेमाटोग्राफी

बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है यहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने शेयर किया है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी यह कहाँ पर देखने को है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके इसी वीडियो के अंदर मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू दिया है और चंद एक ऐसे फैक्ट बताए हैं चंद एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की गई हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं जी साल उन्नीस में ही रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी कमा टेल ऑफ लव के बारे में तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई मीन्ज इसका जैनर क्या है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्या ये एक एक्शन मूवी है ड्रामेटिकल मूवी है रोमांटिक मूवी है किस तरह की ये मूवी बनाई गई है हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हम जब भी कोई भी मूवी देखने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि इस मूवी में हमें बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें रोमांस भरपूर अंदाज में देखने को मिलेगा एंड ड्रामा थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे तो कास्टिंग में आप लोगों को यहाँ पर नवीन एंड देखने मिलेंगे सरिता चौधरी रेमन और उसी के साथ साथ रेखा और इंदिरा वर्मा आप लोगों को इस मूवी की की पर सारी सारी स्टारिंग में देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पर हम लोग बात करें कि इस मूवी की पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है तो यहां पर सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी मीरा नैयर ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से संभाली गई है एंड डायरेक्शन वो मेन चीज है जो कि किसी भी मूवी में जान डाल सकती है अगर हम उनकी पास्ट मूवीज पर नजर डालें तो उनमें आप लोगों को मॉनसून वेडिंग उसी के साथ साथ अ टेल ऑफ लव द क्वीन ऑफ कैटरी और उसी के साथ साथ द रिलेक्टेंट आप लोगों को इसके यहाँ पर देखने को मिलेंगी वेनिटी फेयर ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड ज्यादातर उनमें आप लोगों को यहाँ पर रोमांटिक मूवीज ही देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चले कि इस मूवी की यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है कि हाँ ये बहुत ज्यादा थी बनाई गई है एंड ये किस लैंग्वेज में अवेलेबल है अभी हम किस लैंग्वेज में देख सकते हैं तो ये मूवी जो है वो आप लोग इसे हिंदी में भी देख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये मूवी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बनाई गई थी एंड इसे हिंदी उसी के साथ साथ इंग्लिश जर्मनी जापान इन तमाम लैंग्वेज में डब किया गया एंड बाद में इसे रिलीज़ भी किया गया था तो ये मूवी जो है वो अवेलेबल है इन तमाम लैंग्वेज़ में लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये अभी हिंदी में कहाँ पर अवेलेबल है तो ये मूवी अवेलेबल है जी प्राइम वीडियो पर आप लोग ईजिली अपने घरों में बैठे इस मूवी को वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे आप मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए बात करते चलें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी बनाई गई है या इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इसकी टाइम ड्यूरेशन एवरेज सी है तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक एवरेज सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो होनी ही चाहिए लेकिन उसी के साथ साथ हम बात करते चलें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया एंड आई एम डी बी रेटिंग क्या है तो सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की तरफ से जो लाइक किया गया वो है

मेरे बाई फिल्म आप लोगों को इसकी प्रोडक्शन कंपनीज में देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में आप लोगों को थ्री मार्क पिक्चर्स आप लोगों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स में देखने को मिलेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना